गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सर विकास कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज हार्ट डिसीज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट हार्ट। द मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल्स ऑफ आवर बॉडी पंप 4 to 5 times liters of blood every minute during the rest, and heart supply nutrition, oxygen, rich blood to all part of the body including itself. And we are now discuss the coronary arteries surrounding the heart, keep it nourished with the blood. इसका मतलब यह है, जो heart होता है वो हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गन्स है, पार्ट हैं, उसमें यह ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और यह एक मिनट में लगभग 4 to 5 liters ब्लड को सप्लाई करता है। और कोरोनरी आर्टरीज वह आर्टरीज होता है जो कि हार्ट को नरिश्ड विद द ब्लड नरिश्ड करता है। ओके, एंड व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? What is coronary artery disease? This is nothing but it is the over time fatty deposit called plaques build up within the arteries wall and the artery become narrow. This is atherosclerosis. इसका मतलब यह है कि हमारे जो बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं उसमें प्लक्स, जो हमारे फैट्स होते हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कतें आती हैं। यह जो दिखाया जा रहा है इसको ही, जो प्लैक डिपॉजिट हो जाते हैं उसको ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एंड द कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज अक्योर इन द कोरोनरी आर्टरीज। द हार्ट डज नॉट गेट sufficient blood and the condition is called coronary artery disease or coronary heart disease. हमारे heart को भी blood की ज़रूरत होती है जिसे nourished होता है। हमारे heart में proper blood supply नहीं हो पाता जिसके कारण nutrition और oxygen supply नहीं हो पाता, जिसके कारण हमारा जो heart है वो proper work नहीं कर पाता, उसी को ही coronary artery disease कहा जाता है। Now we will discuss fat deposit in our arteries, how to fat deposit and what is the condition about after the deposit in fat. First of all, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि starting stage है जिसमें थोड़ा थोड़ा deposit हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा plaque का deposition बढ़ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा arteries है उसमें लगभग आधे को वह cover कर चुका है, जिससे हमारा जो blood flow है उसमें दिक्कतें आती हैं। एंड अदर ऑनगोइंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिसीज और द कोरोनरी हार्ट डिसीज इज फर्स्ट इस्केमिक स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाना, या फिर पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज एंड कोरोनरी हार्ट डिसीज, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन death. And students, what are the symptoms of coronary arteries disease? No symptoms for long period, लंबे समय तक इसका symptoms नहीं रहता, and suddenly increase the chest pain short period, जिसको हम angina कहते हैं, and second one myocardial infarction. मेजर हार्ट रेट, हार्ट अटैक, सीवियर चेस्ट पेन, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स एंड हार्ट फेल्योर, इरेगुलर हार्ट बीट एंड देन सडन डेथ। एंड स्टूडेंट्स, हाउ बिग इज प्रॉब्लम? फर्स्ट, इट इज द किलर डिसीज इन वर्ल्ड वाइड एंड 2 million deaths due to the cardiovascular
this is. And during the last 30 years, large decline in developed country rising the health awareness and government program worldwide. And alarming to increase in developing the country, especially in India. What increased risk? हमारे जो रिस्क हो सकते हैं आगे चल के ड्यू टू द कार्डियोवास्कुलर डिसीज वो क्या क्या हैं, वी कैन नॉट हेल्प, इसमें हम हेल्प नहीं कर सकते. मेन में 45 साल से ऊपर उनको कोरोनरी हार्ट डिसीज हो सकता है. महिलाओं को 55 साल से ऊपर, इसमें मेल फीमेल दोनों को इफेक्ट कर सकता है. एसएस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैमिली हिस्ट्री भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. यदि आपके किसी भी पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी अगर पहले से ही हार्ट डिसीज़ है तो यह हेरिटिकली या जनरेशन बाय जनरेशन यह ट्रांसफ़र होता है. किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? वी कैन हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी को एंड अल्कोहल कंज्यूमन को भी कंज्यूम कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिंग द हार्ट डिसीज. रूल फर्स्ट, लुक बिफोर यू आर ईट. खाने में ध्यान देंगे सबसे पहले. ईट ए वैरायटी ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल एवरी डे. ईट ए वैरायटी ऑफ द ग्रेन्स प्रोडक्ट्स. चूज द नॉन फैट लो फैट प्रोडक्ट्स एंड यूज लेस फैट मीट्स, चिकन, फिश एंड लीन कट्स. एंड एज वेल एज वी हैव ऑल्सो स्विच टू फैट फ्री मिल्क, टोन मिल्क एज वेल एज. स्टूडेंट, हमारे हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम खाने पीने में ध्यान देंगे कि उसमें हम सबसे पहले कंट्रोल कर सकते हैं. अधिक से अधिक फ्रूट खाना है, हरी साग सब्जी खानी है, फल खाना है, और जितने भी ग्रेन्स होते हैं उसके वैरायटी लेना है, एक ही टाइप का ग्रेन्स नहीं खाना है. और जो नॉन फैट प्रोडक्ट हैं या लो फैट प्रोडक्ट हैं उसको चूज़ करेंगे, और चिकन, फिश, मीट ये सब को अवॉइड करेंगे. और अगर मिल्क यूज़ करते हैं तो टोन्ड मिल्क जो कि फैट फ्री होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. एंड खाने पीने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सरसाइज कितना महत्वपूर्ण है हमारे कोरोनरी हार्ट डिसीज़ के लिए. इसमें मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी फॉर द 30 to 40 मिनट्स. मॉडरेट टू इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी फॉर 30 to 40 मिनट्स मोस्ट डे ऑफ द वीक इज़ ए रिकमेंडेड. मतलब कम से कम आपको 30 से 45 मिनट अगर वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको हार्ट डिसीज़ होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं. यहाँ पे हम बेनिफिट्स मच बियॉन्ड द हार्ट डिसीज़ एज वेल एज अदर एक्टिविटी वी विल लुक ड्यू टू द यहाँ पे हम देखेंगे टोबैको खाने से क्या क्या इफेक्ट कर सकते हैं. कार्डियोवास्कुलर डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज़ एंड ओरल हेल्थ. डाइट से कोरोनरी हार्ट डिसीज़, कैंसर, डायबिटीज़ ये सब इफेक्ट करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी से इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ डिक्रीज़ करता है, कैंसर को डिक्रीज़ करता है, डायबिटीज़ को कम करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को डिक्रीज़ करता है, ओरल हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है. अल्कोहल से कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ चांसेस बढ़ते हैं, कैंसर की संभावनाएँ बढ़ती हैं. तो ये सबको अवॉइड करना है. और जो अच्छे खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे वेजिटेबल्स है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स हैं, उसको एक्सेप्ट करना है. इसके अलावा हम जितने भी पेशेंट्स हैं जिसमें हम हार्ट डिसीज़ देखते हैं उनको यह सजेस्ट कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाए
और अपना अच्छे से इलाज करवाएं। अगर उनको चेस्ट पेन होता है या उसके सिम्टम्स हैं और उनको कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड मेडिसिन जस्ट लाइक टेलमिसार्टन, ओलमिसार्टन, एटोरवास्टेटिन, ये सब हम एज ए मेडिसिन एज ए ले सकते हैं। सो पेशेंट डोंट वेट फॉर हार्ट अटैक टू टेक ए एक्शन, डोंट वेट फॉर सेकेंड लाइफ, वी आर नॉट कैट्स। थैंक यू वेरी मच।